जनता किसे बनाएगी पीएम जानते। सांसद के चेहरे पर वोट करेगी जनता यहाँ की या सीधा पीएम के चेहरे? कांग्रेस का आपको लगता है कोई पीएम का चेहरा 2014 में जो मोदी लहर शुरू हुई थी अभी भी बरकरार है क्या वो? और कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा के चुनाव में हावी रहेंगे? क्यों कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, अब हम किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा, विपक्षी दल तो सारे एकजुट हो गए हैं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में। जी हाँ, चुनावी साल है, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं हरियाणा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो कि 2024 में होने जा रहे हैं उनको लेकर जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है, ये जानने के लिए आज हम गुरुग्राम के गली गली कूचे कूचे का रुख करेंगे और पूछेंगे जनता से कि इस बार वोट किसके चेहरे पर दिया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता लोकसभा के चुनाव में वोट देगी या फिर गुरुग्राम के सांसद के चेहरे पर इस बार जनता जो है वो वोट देती है? देखिए, सांसद की बात करें तो गुरुग्राम में 2009 से लगातार राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो सांसद बनते आ रहे हैं, जनता उनको चुनती आ रही है। हालांकि 2009 में कांग्रेस की सीट से राव इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज कराई थी, लेकिन 2014 और 2019 में जब मोदी लहर थी तब भी राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके थे और बीजेपी से 2014 और 2019 में उन्होंने जीत दर्ज कराई थी सांसद के तौर पर। लेकिन इस बार 24 के चुनाव को जनता किस तरह से देख रही है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे, ये भी जानने के लिए आज हम गुरुग्राम की सड़कों पर उतर आए हैं। तो चलिए जानते हैं जनता की राय 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, आखिर कौन बनेगा पीएम, जनता किसे बनाएगी पीएम, जानते हैं। और देखिए, इस वक्त हम झारसा के लालकुआ क्षेत्र में मौजूद हैं। पहले आप तस्वीरें जरा देख लीजिए, माहौल पूरा यहाँ पर बना हुआ है, ताश खेली जा रही है, हुक्का भी पिया जा रहा है और ऐसे में चर्चा करने के लिए हम भी मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि इस बार 2024 के चुनाव में किसे प्रधानमंत्री देखते हुए बनना चाहते हैं, ये भी जान लेते हैं कि सांसद के चेहरे पर वोट होगा या सीधे पीएम के चेहरे पर वोट करेंगे। ताऊ, सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा जोगिंदर फलसवाल है। तो ये बताइए कि इस बार किसे वोट कर रहे हैं? इस बार क्या हर बार मोदी को ही वोट करेंगे? मोदी को क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने राम मंदिर बना दिया हमारे हिंदुओं के लिए, सारे काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो सांसद के चेहरे पर वोट करेगी जनता यहाँ की या सीधा पीएम के चेहरे पर? पीएम के चेहरे पर, पूरे देश में पीएम के चेहरे पड़ेगी। राम मंदिर का मुद्दा आपको लगता है बहुत हावी रहेगा? बिल्कुल, होना भी चाहिए, 500 साल बाद ये मौका आया तो रहना भी चाहिए। कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा, पीएम मोदी को लेकर आएंगे, आपकी भी यही राय है? अपने नाम के साथ पूरी बात बताइए। मेरा नाम जगदीश ठाकराण है, जमींदार आदमी हूँ, ठीक है। और राम मंदिर कोई अभी जरूरी नहीं है, राम तो बहुत कई सौ साल पहले बने थे, आज मंदिर बनाए तो क्या फर्क पड़े, हम अपना लोकल देखेंगे, जो भी कोई होगा। जैसे कोई नहीं तो सांसद के चेहरे पर देंगे, क्योंकि देखिए सांसद तो आपके यहाँ से 2009 से ही राव इंद्रजीत बनते आए हैं, पहले कांग्रेस की सीट पर थे, 2014 में बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से जीत रहे हैं। इंद्रजीत, हाँ, राव इंद्रजीत सिंह, हाँ। हो सकता है अब की बार कोई इंद्रजीत से और बड़ा चेहरा आ जाए किसी पार्टी का, उसको भी देनी पड़ जाए, पहले इंद्रजीत को देते थे, अब बीजेपी में जाने के बाद मैं तो देता नहीं हूँ बीजेपी का वोट, ना मुझे पसंद है। अच्छा सर, आप बताओ, अब जैसे पीएम मोदी तो बीजेपी के लिए चेहरा हो गया पीएम का, अब सर कह रहे हैं हम तो कांग्रेस को देंगे, तो कांग्रेस का आपको लगता है कोई पीएम का चेहरा आप मानते हैं किसी में? कांग्रेस में है ये राहुल गांधी बन सकता है ना, क्यों ना, ये भी दौड़ में पढ़ा लिखा है, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और हमने कोई प्रधानमंत्री से वो नहीं है, हमने अपने स्टेट से मतलब है, हम अपने स्टेट के रखे हैं, हम देंगे कांग्रेस के वोट। तो मतलब सांसद बनाओगे तो कांग्रेस का बनाओगे? कांग्रेस का, चाहे हमारे लिए कोई बनो, हम देंगे वोट कांग्रेस को, और यहाँ है भी कांग्रेस का जोर, वोट भी नहीं गिरने देंगे किसी को। अच्छा, हाँ। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस का जोर है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं ना जानता कुछ, मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस के देंगे। राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं? हाँ जी, ये तो सारे कांग्रेस वाले हैं। राव इंद्रजीत इस गांव में कभी भी नहीं आया वोट मांगने, और उसको वोट मिलती है, बनता हर बार, पिछली बार वो अपने आप ही दे देते उसको।
नहीं, दो बार तो बीजेपी का आया वो। अच्छा ये बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कुछ काम नहीं करा। बीजेपी ऐसे फिर बनेगी, वो बीजेपी ऐसे फिर बनेगी। और राम मंदिर का क्यों नहीं भाई, हम हिंदुस्तान में हिंदू हैं, राम मंदिर हमारे लिए बहुत, राम राम के बगैर तो हिंदुस्तान का कल्पना नहीं की जा सकती। एक मिनट आपने कह दिया, राम के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। उठते ही राम राम करते हैं, तो राम मंदिर हमारे लिए मुद्दा क्यों नहीं होगा भाई? कहीं हम जाए, मान लो किसी देश में जाए, भाई हिंदू हो, राम को मानते हो, तो राम मंदिर तुम्हारा राम तो बना नहीं, वो पड़े हुआ उसमें टेंट में, तुम किस बात के हिंदू हो भाई? भाई गर्व है राम के ऊपर, बने वो मंदिर। अच्छा देखिए, अब सरकार कह रही है, ठीक है, सरकार कह रही है कि राम मंदिर का मुद्दा सालों से चलता आ रहा था, कहीं ना कहीं सरकारें इसका फायदा उठाती थी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल क्यों ना हो, सरकार ने मुद्दा ही खत्म कर दिया, मंदिर बना दिया, अब ये मुद्दा उठेगा ही नहीं, आपको नहीं लगता ऐसे? ऐसा बेटा सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, सरकार ने थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने किया भाई मंदिर बनाओ, पब्लिक ने बनाया मदद तो की। और सुनो, बीजेपी ने क्या करा? अगर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता तो कोई पार्टी बना देती नहीं, लेकिन और किसी की सरकार में नहीं बन पाया ये। बेटे कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया ना, आप पढ़े लिखे हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब बना जी तो ये ये मिली जुली राय यहाँ पर है। कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाएगा 24 के चुनाव में, कुछ कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं। देखते हैं आगे और लोगों की क्या राय यहाँ पर मिलती है। चलिए तो देखिए, 24 का चुनावी माहौल है, हम गुड़गांव की लोकसभा सीट पर आ पहुंचे हैं लोगों की राय जानने के लिए। जानते हैं इनसे कि 24 में किसको ये पीएम का चेहरा देखते हैं, इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर वोट यहाँ की जो जनता है वो सांसद के चेहरे पे देती है या फिर सीधा पीएम चुनते हैं ये अपना। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं शुरुआत करूंगी, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। किसको वोट देंगे इस बार लोकसभा के 2024 के चुनाव? मैडम हमारी पहली पसंद मोदी है, मोदी के चेहरे पर वोट। हाँ जी, इसके पीछे कारण क्या है? हमें पसंद है मोदी, हर चीज में, मतलब हर चीज में बढ़ चढ़ के बोलते हैं, हर चीज में, मतलब किसी चीज का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं होता है, जो फैसले लेते हैं अपने खुद लेते हैं। 2014 में जो मोदी लहर शुरू हुई थी अभी भी बरकरार है क्या वो? जी पूरी पूरी है जी, उसमें कोई कमी थोड़ी है। ऐसे काम ही कर दिए है जी, अयोध्या जी का देखो कितने साल से मसला चल रहा था, वो सॉल्व हो गया, इसी किसी सरकार ने कर पाया, कितने दिन से चल रहा था ये केस। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं? हिंदू धर्म है ये, हमारे लोगों का धर्म है, और इससे बड़ा काम क्या होगा जी? अच्छा आपसे जानते हैं और कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा के चुनाव में हावी रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? मुद्दा तो एक तो महंगाई का है, एक बेरोजगारी का है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, ये भी एक मेन मसला है। हालांकि जो यातायात परिवहन है इसमें बहुत अग्रणीय काम कराया गडकरी जी ने, और जो कम समय में इतना जो सड़कों का जाल बिछाया है, राजस्थान से लेके पंजाब हरियाणा यूपी तक जो काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। बाकी का मुद्दे तो बस यही हैं, बाकी का जो विपक्ष है वो ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों पे वो बोलते रहते हैं, जैसे कि राम मंदिर पे अब नई नई बातें आ रही है कि ये मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए था, जिस जगह मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन वो सब एक नेगलेट बातें हैं ये, और इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा गुड़गांव की जनता सांसद के चेहरे पे, जो कि अभी राव इंद्रजीत सिंह है यहाँ से, उनके चेहरे पर वोट करती है या सीधा पीएम के चेहरे पर? पीएम के चेहरे पे, सिर्फ पीएम के चेहरे पे, जो चुनाव लड़े जा रहे हैं ये आजकल जो भी है, एक पीएम के चेहरे पे ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, न कि कोई मुख्यमंत्री या किसी सांसद के उस पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम अब सरकार बदलेंगे, राहुल गांधी को देख रहे हैं पीएम के चेहरे पे। मोदी को देख रहे हैं तो। आप मोदी चाहते हैं? मोदी आना चाहिए, हम तो मोदी को ही देखते आ रहे हैं शुरू से ही, वही करेंगे कुछ उधार। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का देखो मैथमेटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, वो जैसे हिसाब से जो बात करते हैं तो मैथमेटिक्स पे उसको जो हंसी ज्यादा आती है मुझे समझ में नहीं आता, वो कहते क्या है, सबको ही एक कॉमेडी जो कॉमेडी नाइट कपिल चलता था, आज की तारीख में बंद हो गया है वो, उसने राहुल गांधी ने ले लिया है, तो ये है। और बाकी नेता ऐसा होना चाहिए निष्पक्ष हो, योगी है बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, जिसको स्वार्थ नहीं होता ना, ऐसा नेता चाहिए, चाहे वो
और कांग्रेस में और किसी भी पार्टी में ऐसा कुछ चेहरा है नहीं, केवल बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है। बाकी जैसे राजस्थान में भी बालक नाथ है, वो भी अच्छे चेहरे थे, उनको भी लाना चाहिए था, लेकिन इसी तरह का चेहरा चाहिए। तो आप कह रहे हैं बीजेपी निष्पक्ष तरीके से काम करती है और जन हाँ सबसे बड़ा चीज होता है कि लीडर कैसा है, लीडर अच्छा है, लीडर मेन टॉप प्रायोरिटी से चलता है, नीचे के आग लोगों से काम तो हो ही जाएगा, टॉप प्रायोरिटी का नेता अच्छा होना चाहिए। बाकी छोटे मोटे काम जैसे होते हैं हर जगह छोटी मोटी बातें चलती है, यदि उसको भी ध्यान में रखेंगे तो। अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी क्या राय है, किसको बना रहे हैं पीएम? पीएम मोदी को। मोदी को क्यों? सबसे बढ़िया नेता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहते हैं, हम चाहेंगे कि अब राहुल गांधी आना चाहिए। या अच्छा ये बताइए, ये जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी कांग्रेस और तमाम दलों का, आप क्या मानते हैं ये टक्कर देगा कड़ी बीजेपी को? नहीं देगा। मोदी 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 का नाम है, सारा विपक्ष एकजुट आ गया है, राहुल गांधी के साथ सब मिल गए हैं, ममता बनर्जी हो तमाम नेता हो, आपको लगता है नहीं टक्कर मिलेगी? देखो सेंटर में मोदी रहेगा, बाकी इधर उधर हेर फेर चलता रहेगा। मैडम केंद्र में तो मोदी चाहिए, हाँ जी, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा, मतलब ये जो विपक्ष है जो आपस में गठबंधन, इनकी आपस में ही नहीं बन रही तो ये देश को क्या संभालेंगे मैडम? देखिए बिहार में जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो भी बीजेपी में आ गए हैं। अब विपक्ष कह रहे कि बीजेपी जो है वो डरा रही है, ईडी के डर से सबको अपनी पार्टी में लेकर आ रही है और लोगों को ये समझना चाहिए। मैडम जी देखो जिसने गलत किया वो ही डरेगा ना, जिसने कुछ गलत किया ही नहीं उसको डर किस चीज का है, आप एक बात बताइए। विपक्ष तो देखो मजबूत होना भी चाहिए इस चीज की, तो विपक्ष मजबूत होगा तभी थोड़ा सा काम अच्छे होंगे, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो थोड़ा सा ये तो आप समझ रही हो कि काम नहीं होंगे। अच्छा मोदी के वो कौन से काम है, या मैं कहूँ केंद्र में जैसे बीजेपी है, कौन से वो काम है जो आपको लगता है ये काम करवाए हैं तभी हम 2024 में भी फिर से बीजेपी को लेकर आएंगे, कौन बताएगा, आप बताएंगे? मैडम देखिए पहले विदेशों में भारत की कोई ज्यादा वैल्यू थी नहीं, लेकिन आज के टाइम में विदेश में अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है भारतीय को, तो मोदी में इतनी मतलब पावर है कि सबसे पहले मोदी की बात सुनी जाती है, बाद में वो अपना पक्ष रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र नाम है जी। आपका आपका भी यही मानना है? हाँ जी मेरा भी यही मानना है, जैसे अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला किया है और ये जो मंदिर बनाया है ये एक बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, और इनकी तो सराहना करना ही बहुत बड़ी बात है। जो विदेशों में इनका जो नाम है, पहले इंडिया को बहुत कम लोग जानते थे लेकिन आज इंडिया का नाम है, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो देखिए भारत की जो अलग पहचान विश्व में बनी है, एक मजबूत देश के तौर पर बनी है, और साथ ही साथ ये लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी हावी रहेगा इस बार के चुनाव में। कुछ और लोगों से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, किसको वोट करेंगे 24 में? मोदी जी के। फिर से बनाएंगे पीएम? हाँ जी। क्यों? वो अच्छा विकास करते हैं इसलिए करते हैं। और आप बताइए आप किसको कर रहे हैं, आप किसको करेंगे? मोदी जी बनेंगे। क्यों? लोग तो कह रहे हैं हम आप विपक्ष को बनाएंगे, विपक्ष एक साथ मिलके आ गया है तो मोदी जी ने बढ़िया काम करा वही बनेंगे। खुश है आप बीजेपी के काम से? हाँ जी खुश है। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई अब हम बदलाव चाहते हैं, राहुल गांधी को लेकर आएंगे? नहीं जी मोदी सही है। आप किसको बनाएंगे पीएम? मोदी जी। तो देखिए यहाँ पर जो है मोदी लहर नजर आ रही है, भले ही विपक्ष तमाम मुद्दे उठा रहा हो लेकिन और बीजेपी विपक्ष का ये कहना हो कि हम एकजुट हो गए हैं और मोदी लहर फीकी पड़ रही है विपक्ष की एकजुटता के सामने या एनडी गठबंधन के सामने, लेकिन फिलहाल जो गुड़गांव के लोग हैं इनकी जब हम राय ले रहे हैं तो यहाँ पर तो मोदी लहर कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोगों की अलग अलग ओपिनियन अलग अलग राय हम लेने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं तो देखते हैं और किस तरह से लोग जो हैं 24 के इस चुनाव को देख रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख कर ये अपना पीएम चुनेंगे। चलिए कुछ और लोगों के रिएक्शन लेते हैं, जानते हैं उससे कि 24 के चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां हैं और कौन सी पार्टी को वो चाहते हैं कि सत्ता में आए। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। विश्वास। 24 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं सबसे पहले तो ये बताइए जिनको ध्यान में रखकर आप वोट देंगे? मुद्दे तो यही है कि जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंटिन्यू रहे जिस हिसाब से हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्री में, अभी ग्रोथ भी हो रही है तो इसी को कंटिन्यू रखने के लिए। अच्छा क्योंकि 24 के चुनाव है तो पीएम के कैंडिडेट के तौर पर आप किसको देखते हैं, क्या लगता है कौन चेहरा होना चाहिए? नहीं सेम कंटिन्यू रहेगा, पीएम मोदी को ही चाहते हैं आप? क्यों? अगर मैं आपसे कुछ रीजंस पूछूं कि आपको क्यों लगता है कि पीएम मोदी आने चाहिए दोबारा? ओवरऑल कंट्री में सारे फ्रंट्स पे स्टेबिलिटी है,
प्लस ग्रोथ भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक ही है और उसी को कंटिन्यू करना चाहिए अभी। अच्छा, चुनाव के आपके ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो फिर से मिलीजुली सरकार रहेगी, फिर इंस्टेबिलिटी आएगी कंट्री में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपका करप्शन और बाकी सारी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत गरमाया है, वो है राम मंदिर का। आपको क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, इम्पैक्ट तो होगा डेफिनेटली, उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा, बट ओवरऑल जो वोट देने के टाइम पे है उस वक्त लोग डेवलपमेंट जो पिछले 10 साल का है उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि 24 के चुनाव में आप क्या, कौन सी पार्टी को देखते हैं? जी, मेरा नाम मोहित सरदाना है और मैं 24 के चुनाव में बीजेपी को ही देखता हूँ। उसके कुछ बुनियादी तर्क हैं। अव्वल तो ये कि जिस तरह से सरकार ने अभी लास्ट बजट जो पेश किया है, ये एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। सरकार ने अपनी विकास की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। ये सरकार का विश्वास भी जताता है कि उनके अपने उन्हें अपने काम पर विश्वास है, और मेरे हिसाब से बहुत आश्वस्त है हम लोग कि बीजेपी ही जीतेगी इस बार। अच्छा, अगर मैं आपसे पॉइंट्स में पूछूं, कौन से वो आप पॉइंट्स मानते हैं कि बीजेपी को दोबारा से आना चाहिए, अगर विकास के हम बात करें? क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के रिएक्शन इस तरह के भी सामने आते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, तो हम कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। कुछ लोगों की राय ये भी सामने आती है। देखिए, लोग ना महंगाई को समझते नहीं है, इकोनॉमिक्स जो समझते नहीं है वो ही ये आरोप लगाते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। दरअसल महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और मेरा ख्याल है सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है उसको, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जिस हिसाब से कोविड, हम एक बहुत बड़ी महामारी से निकले हैं, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे, तो इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं वो जानते हैं कि ये जो महंगाई है, सरकार हमारी, हमारा देश स्टैंड आउट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाला दशक और आने वाली शताब्दी हिंदुस्तान की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पीएम कहीं ना कहीं, अब पीएम के फेस के तौर पर अगर देखा जाए तो मोदी को कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी देख रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं इस चुनाव पर, तो चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं। तो देखिए, 24 के लोकसभा चुनाव में लोगों की राय जानने के लिए हम गुरुग्राम के गांव सिलोखेड़ा पहुंचे हैं। जानते हैं यहां की जनता 24 के लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रही है और चुनावी मोड जो है वो क्या नजर आ रहा है। सर, सबसे पहले तो आप नाम बताइए। मेरा उमेश शर्मा जी है जी। अच्छा, 24 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे? मैम, एक तो लाइट का, बिजली का, पानी का, ठीक है जी, ये मेन मुद्दे तो ये हैं। रोड का हुआ, ठीक है, ये मुद्दे बहुत मायने रखते हैं जी। अगर क्योंकि बात हम लोकसभा के चुनाव की कर रहे हैं, तो क्योंकि पीएम आप इसमें चुनने जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं पीएम के तौर पर, फिर से वापसी बीजेपी को ही करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए, या बदलाव चाहते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए जी वापसी। ऐसा जी, नहीं, इन्होंने काम अच्छे किए हैं सारे जी, सारे काम बढ़िया कर रखे। अच्छा, ताऊ आप बताइए, जब लोकसभा के चुनावों की बात आती है तो आप वोट सांसद के चेहरे पर करते हैं या सीधा पीएम के चेहरे पर करते हैं? पीएम के चेहरे पर, पीएम हमारा शेर है, हर काम अच्छा कर रहा है। 370 हटानी चाहिए वो बहुत पहले, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने आकर हटाई है, मंदिर मोदी जी ने बनाया, ज्ञान वापी मोदी जी की वजह से ही चालू है काम, उन्हीं की वजह से मुथरा का चालू होगा काम। सारे काम जो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरी तरह संतुष्ट हैं। पिछली बार लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी आई थी, क्या लगता है इस बार भी ऐसा होगा या कुछ बदलाव होगा? नहीं, 10 की 10 सीटों पर बीजेपी आएगी जी, 100% बीजेपी आएगी जी। बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे, विकास की बातें बीजेपी ने की थी, गरीबी हटाओ की बात बीजेपी कर रही थी, आपको लगता है जमीनी तौर पर वो काम बीजेपी ने किया है? देखिए, किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बार बार कहा जाता है विपक्ष कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि किसान खुश नहीं है बीजेपी से, आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, किसान खुश है जी, 2000 की जो किस्त आती है किसान की उसमें वो भी आ रही है जी, ठीक है, बीजेपी ने बढ़िया काम कर रखा सारा जी। और ये मथुरा में मंदिर का भी अब ये चलेगा, अब ये राम मंदिर बन गया जी, अब ये भी हो जाएगा। लोग तो राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि पीएम के तौर पर हम अब नया चेहरा लाना चाहते हैं। लाफ्टर शो के लिए राहुल बहुत अच्छा,
क्यों कि आलू से सोना अगला निकालता है और स्टोव चलाता है कोयले से। ये कोई लीडर नहीं है, ना ही लीडर वाली इसकी कोई बात है। इसने कसम खा रखी है कांग्रेस को खत्म करना है, और कोई इसका काम नहीं है। लेकिन विपक्षी दल तो सारे एकजुट हो गए हैं, ममता बनर्जी और राहुल गांधी और सब एक मिलकर कह रहे हैं हम लोकसभा के चुनाव में टक्कर देंगे बीजेपी को। ये तो प्रधानमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं, विपक्ष में जितने भी हैं ये प्रधानमंत्री इकट्ठा हो रहे हैं। कोई इसमें कैंडिडेट नहीं किसी भी और तरह का। ये तो चाहते हैं वही मैं बनूं और कुछ नहीं। ना इनके पास कोई वोटर है, कहीं भी चले जाओ वोटर जिनके पास खड़े नहीं हो सकते। क्यों, किस बेस पर खड़े हों? इनको बोलने की तमीज इनको नहीं। गाड़ियां बकते हैं मोदी जी को, जिसके इनको चरण छूने चाहिए और वो गाड़ियां देते हैं। बताओ ये कोई इंसान है? विपक्ष तो खत्म है बिल्कुल, ना ही विपक्ष में कोई लीडर रहा जिसके पीछे विपक्ष चल जाए। लालू समझता मैं प्रधानमंत्री, और जितने भी है जो और तो और ये जो छोटे से छोटा जो एक सीट ले रहा है वो भी प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है। बताओ इनको कौन प्रधानमंत्री बना देगा? तो आप कह रहे हैं विपक्ष में कहीं ना कहीं होड़ जो है वो मची हुई है। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप बताइए आपकी क्या राय है, कौन आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में? मोदी साहब आएंगे, और नहीं है मोदी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री के सीट पर काबिल है ही ना कोई। 2019 और 2014 में जो मोदी लहर थी, आपको लगता है अभी भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, अब भी वही आएंगे, हर तरह से आएंगे। मोदी तो अगर जो 29 के बाद भी अगर जो रह जाए ना तो भी मोदी आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पीएम मोदी ने और केंद्र सरकार ने सीबीआई ईडी को खरीद लिया है और सबके खिलाफ अब एक्शन ले रही है। जी सीबीआई और ईडी किसी प्रधानमंत्री के उसमें नहीं है, ये अपना काम अपने खुद करते हैं। ये तो इसको मोदी साहब को बदनाम करने वाली बात है। अगर भाई ईडी पे करवा रहे, ईडी पे करवा रहे, ईडी अपना काम कर रही है, मोदी अपना काम कर रहे हैं। बताओ इसमें मोदी का क्या कसूर है? मोदी विदेश में बैठा है, ईडी इनके छापे मार रही है, तो ये मोदी ने करवा दिया है? मोदी तो नहीं करवा रहा है काम। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान खुश नहीं है बीजेपी से। देखो जी बीजेपी तो सभी खुश हैं, पहले कांग्रेस के राज में हमने तो बिजली भी ऐसी ना देखी थी, अब तो बिजली भी हर तरह से सुविधा हो रही है बिजली की भी। और भाई जमींदार भी खुश है, हर साल उसके 6 महीना में 2000 साल में 6000 रुपये खाते में लग रहे। बताओ कौन दे रहा था पहले? मिल रहा था जमींदार को, किसी ने नहीं मिल रहा था, अब तो आराम से मिल तो रहा है। अब विपक्ष तो यही कहे कि भाई मोदी साहब ने किसान भी उजाड़ दिए, मजदूर भी उजाड़ दिए। उन्होंने कहा महंगाई है कहाँ, हमारे यहाँ तो महंगाई भी ना ऐसी। भाई जैसी महंगाई है वैसी तनख्वाह बढ़ रही है लोगों की, मजदूरी बढ़ रही है। एक मजदूर 600-700 रुपया लेता है, तो कहाँ रही महंगाई? तो आदमी काम बढ़िया कर रहे हैं वैसे। तो गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों में आज हम पहुंचे, लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रिया जो है निकलकर सामने आई। देखिए लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि ये जो कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि मोदी लहर जो है वो फीकी पड़ रही है, ऐसा हमें जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आया। हाँ कुछ लोग बदलाव की भी बात कह रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 में पीएम के तौर पर जो मोदी लहर देखी जा रही थी वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा और 24 के चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आखिर जनता कोई बदलाव करती है या एक बार फिर से बीजेपी को ही सत्ता में लेकर आती है। कैमरामैन मुकेश कौशिक के साथ मैं सृष्टि मेहता, हरियाणा न्यूज। कौन बनेगा पीएम, जनता किसे बनाएगी पीएम, जानते हैं। सांसद के चेहरे पर वोट करेगी जनता यहाँ की, हम सीधा पीएम के चेहरे, कांग्रेस का आपको लगता है कोई पीएम का चेहरा? 2014 में जो मोदी लहर शुरू हुई थी अभी भी बरकरार है क्या वो? और कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा के चुनाव में हावी रहेंगे? लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, अब हम किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा। विपक्षी दल तो सारे एकजुट हो गए हैं।